गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नोट हमने भेज दिया है कुछ अपडेट करके, आगे की यूनिट के भी हैं, उसमें आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। और स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम चलाया था फिर? यस सर। हाँ, स्ट्रिंग की प्रैक्टिस हो गई है ना? केवल उसका किए थे वो, मतलब लेंथ बताने वाला। हाँ एलियन का। हाँ, अब बाकी इनपुट करना, नेम को या कई नेम है, कुछ भी है, एनी स्ट्रिंग इनपुट और प्रिंट, वो तो हो गया ना? यस यस, हो गया। हाँ, बाकी फंक्शन हम आज बता रहे हैं आपको। चलिए, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन बता रहे हैं, कैसे आपको यूज करना है कुछ बता देंगे, फिर बाकी मोस्टली आप यूज कर लीजिएगा। ठीक। ओके सर। स्ट्रिंग को इनपुट करना, ये फंक्शंस मैंने कुछ बताए थे, इनको आपको जैसे हम जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे इनको यूज करते जाएंगे। कुछ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें तो मैं बहुत सारे दे दिया हूँ, इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फंक्शन जरूर आना चाहिए, जैसे लेंथ निकालना, str लोअर केस, str लोअर केस, str अपर केस, यानी कि अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए str cat। cat का मतलब है इट्स अपेंड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। cat के साथ क्या होगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, मान के चलिए इसमें लिखी है हेलो, एक स्ट्रिंग है, और दूसरी स्ट्रिंग राम है, अलग अलग दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन यदि हम कैट के साथ इसको यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसा हम जोड़ेंगे हेलो राम, एक साथ आ जाएगी। कैट फंक्शन ऐसे वर्क करता है, एक साथ स्ट्रिंग को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कैट एन भी आता है, str एन कैट, इट्स अपेंड फर्स्ट एन कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर, यानी कि जो नंबर हम दे देंगे, पूरे करेक्टर नहीं जोड़ना है, हमको कुछ करेक्टर यदि जोड़ना चाहते हैं ए एम, तो वो करेक्टर जाके जुड़ेगा, यहाँ पे आर यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। ये रियलमी 7 कैमरा ऑफ कर लें, कौन है, कैमरा ऑफ करो। इसी प्रकार से str cpy आप, ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, यूज इट फॉर कॉपी ए स्ट्रिंग वन इंटू अनादर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। अरे बने होंगे और मान लीजिए एक स्ट्रिंग ये है हेलो, किसी में स्टोर है अरे में, तो इसको हम किसी दूसरे अरे पे स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मान के चलिए ए अरे में स्टोर है, इसको हम किस में कॉपी कर सकते हैं, बी में। इसी प्रकार से str ncpy होता है, फर्स्ट n, कुछ पार्ट कॉपी करना चाहते हैं तो n का यूज करेंगे। इसी प्रकार से str cmp, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, cmp का यूज करेंगे। cmp इट कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है cmp का। str ncmp कंपेयर फर्स्ट n, कुछ करेक्टर यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ncmp का यूज करेंगे। एक होता है str cmp i, इट्स कंपेयर टू स्ट्रिंग विदाउट रिगार्ड टू केस, यानी कि डिनोट, ये क्या करेगा, अपर केस और लोअर केस को आपको इग्नोर कर देगा, यानी कि अपर और लोअर केस पे डिफरेंस नहीं रखेगा यदि i को यूज करते हैं। str icmp भी होता है, कंपेयर टू स्ट्रिंग विदाउट रिगार्ड टू केस, आइडेंटिकल टू, कोई भी आइडेंटिकल है यदि कोई ऐसा वर्ड या सिंबल यूज किया गया उसको आपको रिकॉर्ड करेगा विदाउट उसके कंपेयर कर। इसके कई यूजेस हैं,
इनमें से जो मेन यूज करना है एसटीआर सीएमपी आप पढ़िएगा, और इनमें से कोई भी एक एसटीआर सीएमपी आई। फिर है एसटीआर डीयूपी यूज फॉर डुप्लीकेटिंग ए सिम, सेम है जैसे सीपीयूआई होता है, इसमें भी डुप्लीकेट बनता है, इसमें भी डुप्लीकेट बनता है। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसटीआर फाइंड द ऑकरेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग, एसटीआर सेट इट सेट ऑल द करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू गिवन, और इसके बाद जो मेन है एसटीआर रिवर्स, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको यूज करना है, इनमें से कुछ मैं यूज आपको बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले इसको समझते हैं कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे मेन फंक्शन को लिया, और मेन फंक्शन के बाद ये आपका मेन हुआ, इसमें हमने एक कैरेक्टर अरे लिया एसटीआर वन, जिसमें क्या स्टोर है हेलो, एसटीआर वन में क्या स्टोर है हेलो। दूसरा एसटीआर टू लिया है जिसमें स्टोर है वर्ड। माइक जिसका भी ऑन हो ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। यदि माइक ऑन है तो उसको म्यूट करें, आवाज आ रही। एक हमने अरे लिया एस टी आर वन जिसमें हेलो है, एक एस टी आर टू जिसमें वर्ड है, ओके, और एक तीसरा अरे लिया है जो ब्लैंक है एस टी आर थ्री, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है लेंथ, यानी लेंथ निकालने के लिए एल ई एन। अब सबसे पहला यहाँ फंक्शन यूज किया गया कॉपी फंक्शन, ये देखिए यहाँ लिखा है कमेंट में, नोट्स में प्रोग्राम दिया गया है, नोट्स में हमने और भी कई प्रोग्राम दिए हैं। दिव्या तुम बार बार माइक क्यों ऑन कर लेती हो, जब बोले तब ऑन करना। कॉपी एसटीआर वन एंड टू एसटीआर थ्री, यानी कि इसका जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए एसटीआर वन से एसटीआर थ्री में। देखिए कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे एसटीआर सीपीवाई और यहाँ लिखा है एसटीआर थ्री, एसटीआर थ्री, आप एसटीआर थ्री देख लीजिए ब्लैंक है अभी, ये देखिए ब्लैंक है, और इधर हमने लिखा है एसटीआर वन, यानी कि एसटीआर वन की कॉपी हो जाएगी किसमें, एसटीआर थ्री में। एसटीआर वन में क्या है, एसटीआर वन में क्या है हेलो, एसटीआर वन में क्या स्टोर है हेलो, हेलो की कॉपी हो जाएगी किसमें एसटीआर थ्री में। एसटीआर थ्री में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, एसटीआर थ्री में इसकी कॉपी हो जाएगी, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हेलो। अब आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं एसटीआर सीपीवाई, ये तो मैसेज के लिए एसटीआर थ्री कामा, और यहाँ पे एस थ्री को प्रिंट कराया गया है, आप ध्यान दें तो भी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा हेलो ही मिलेगा, चाहे हम थ्री प्रिंट कराएं चाहे एसटीआर वन प्रिंट कराएं, एसटीआर वन दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है हेलो, क्योंकि एसटीआर वन में जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या स्टोर थी हेलो, और हमने एसटीआर सीपीवाई का यूज करके कॉपी कर दिया किसमें एसटीआर थ्री। ओके नेक्स्ट अगला फंक्शन ऐसे ही कंकटेशन ऑपरेटर, कंकनेट ऑपरेटर, एसटीआर वन एंड एसटीआर टू आपस में मिला देंगे दोनों को, यहाँ एसटीआर कैट फंक्शन यूज किया, अब एसटीआर वन और एसटीआर टू दोनों की एक साथ वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे एस करके हमने प्रिंट कराया किसको एसटीआर वन को, इसमें दोनों फंक्शन की वैल्यू एक साथ आपकी क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। तो दोनों में क्या है हेलो और वर्ड, तो एक साथ इसका आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा हेलो वर्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके नेक्स्ट टोटल लेंथ ऑफ एसटीआर वन कंकटेशन के बाद, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को अपेंड होने के बाद जिसकी लेंथ निकलेगी वो निकालेगा एसटीआर एलईएन, और एलईएन लेंथ में देगा और लेंथ को प्रिंट कर।
इस प्रकार से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एसटीआर अपर लोअर रिवर्स सभी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके अब हम सीखते हैं, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं हमारे, एक एक करके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और जिनके यूज बताऊंगा, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करता हूं मैं टर्बो सी। ओके, स्क्रीन दिख रही सभी को? सर हाँ, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने के लिए string.h हेडर फाइल भी आपको लगाना है। आप यह studio.h का यूज कर सकते हैं, include string.h। और अभी इसमें हमने कोई स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं किया, स्ट्रिंग फाइल मैंने लगा दिया string.h। अब मैं इसमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा, इसमें ऐसे ही इसी प्रोग्राम पे चेंज कर देता हूं जैसे समझाया, str1 एक ले लेता हूं, 1 1 और इसमें एक वैल्यू स्टोर करा देता हूं मैं, हेलो हेलो, साइज में डिफाइन नहीं करता हूँ, कितनी भी वैल्यू दे सकता हूँ। और एक मैं ले लेता हूँ str2, अरे नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें, हेलो sics इसमें स्टोर करा देता हूँ। और एक अरे मैं नॉर्मल अरे ले रहा हूँ str3 जो ब्लैंक, ये अभी वैल्यू स्टोर है और ये सारा मैं डिलीट कर देता हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल अभी हमने अरे लिया, कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया, अभी हमने एक प्रिंट एफ भर लिखा है हमारा, देखिए अभी प्रोग्राम वार्निंग है, कोई यूजेस नहीं है हमारा str1 और 2 का, नेवर यूज, इसका मतलब ये है कि हमने अभी इसका कोई यूज नहीं किया है। अब मैं सबसे पहले एक फंक्शन यूज करता हूं लेंथ के, यदि लेंथ निकालना है सीधा मैं लिख सकता हूं len इक्वल परसेंटेज d, मैंने बताया था लेंथ जो निकल के आएगी d में आएगी। और यहां पे मैंने यूज किया str len फंक्शन और ब्रैकेट में दे दिया जिसकी लेंथ निकालना है str1। मैं सिंपल printf के अंदर भी यूज कर सकता हूं या कोई वेरिएबल बना करके फिर उसको प्रिंट करता, प्रोसेस सेम है। और इसको मान लीजिए मैंने यूज किया, वार्निंग है कि हमने उसका यूज, देखिए इसकी लेंथ कितनी निकल आई 5। ये समझ में आ गया सभी को लेंथ निकालने का फंक्शन? ओके, अब मान लीजिए इसकी जगह मैं 2 कर देता, 5 क्यों आया मान लिया, यहाँ पे देखा ना आपने हेलो में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर ने इसलिए 5 आया। इसकी जगह यदि मैं 2 कर देता हूं तो कितना निकल के आएगा चेक कर लेते हैं, 4, क्योंकि SICS में कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर। तो इस प्रकार से लेंथ जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी किसी की भी लेंथ निकाली जा सकती है। मान लीजिए SICS में मैंने बढ़ाया जानकी कुंड चित्रकूट कर दिया, अब मैं इसकी लेंथ निकालना चाह रहा हूं 25, यानी कि आप स्ट्रिंग 2 में जो लेंथ है कितनी है 25 है, आप काउंट कर सकते हैं, स्पेस भी काउंट करता है, ये बात इस बात को ध्यान रखना, 1 2 3 4 तो ये हो गए और 5 नंबर का स्पेस माना जाएगा, स्पेस भी काउंट होगा, फिर जानकी कुंड के काउंट होंगे, फिर ये स्पेस भी काउंट होगा, टोटल मिलाकर कितने हुए 25। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आप printf में इनको यूज कर सकते हैं, जो भी फंक्शन है printf मान लीजिए मैंने फिर लगाया और
इस बार एसटीआर सीपीयूआई की कॉपी का बना देता हूं कि टू स्ट्रिंग हमने कॉपी किया एसटीआर सीपीयूआई, हमको पता चल जाए कि एसटीआर सीपीयूआई फंक्शन हमने यूज किया है, कॉपी किया है, और किसकी कॉपी किया है हमने ये भी बता दें हम। मान लीजिए हमारे पास ब्लैंक है एसटीआर थ्री में हमने कॉपी किया है एसटीआर वन। ये मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मेन उसको परसेंटेज से मतलब है, परसेंटेज एस से उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ फंक्शन यूज करूंगा एसटीआर सीपीवाई, कॉपी फंक्शन मैंने यूज किया, और इसको कॉपी करना है मुझे जो एसटीआर थ्री में करना है एसटीआर थ्री कॉमा एसटीआर वन और सेमी कॉलन लगा। ऐसे मैं डायरेक्ट प्रिंटेड पे ही यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे। अब मैंने इसको लिखा और सीधा कंपाइल किया और रन किया, थोड़ा सा वो लगा देते हैं इस पे स्लैश एन जिससे हमको पता चल जाए। स्लैश एन यूज कर लेते हैं और क्लियर स्क्रीन तो लगा है हमारा। ये देखिए ये भी जो ब्लैंक है हमारी, एक ब्लैंक था एसटीआर थ्री और एसटीआर वन, यहाँ पे देखिए हेलो मिल गया। हम एसटीआर अभी किसको प्रिंट किया है, वन को प्रिंट किया है। यहाँ पे मैं इसको अलग अलग भी प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अलग से आपको लिखना पड़ेगा एसटीआर सीपीवाई और एसटीआर थ्री कामा एसटीआर वन, ये आपने लिखा और यहाँ पे सिंपल आप प्रिंट कराइएगा समझने के लिए। एसटीआर थ्री को मैंने प्रिंट कराया, अब देखिएगा आप, ये देखिए हेलो क्या मिला आपको, हेलो, जबकि एसटीआर में नहीं है, एसटीआर ब्लैंक है, लेकिन एसटीआर सीपीवाई ने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। जो वन स्ट्रिंग है वन में क्या है, हेलो है, ये कॉपी हो गई किसमें, एसटीआर थ्री। मैसेज आप कोई भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ, जो भी आप देना चाहें। मान लीजिए मैं एसटीआर सीपीवाई की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ लिख दिया एसटीआर थ्री इक्वल टू ये देखिए हेलो। अब देखिएगा यदि मैं एसटीआर वन की जगह यहाँ टू कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए आउटपुट में, अब है क्योंकि अब कॉपी किसकी हो गई, एसटीआर टू की कॉपी हो गई एसटीआर थ्री। ओके ओके, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं और भी आगे जो भी फंक्शन, मान लीजिए इसी में मैं यूज कर देता हूं एसटीआर एल डब्ल्यू आर, इसी के अंदर मैंने यूज कर दिया, जो स्ट्रिंग थ्री में है उसी के अंदर एसटीआर एल डब्ल्यू आर का मैंने यूज किया एल डब्ल्यू आर। इफेक्ट समझ में आ गया होगा, सभी कैरेक्टर लोअर के, और एसटीआर यूपीआर भी यूज कर सकते हैं, यूपीआर अपर केस। ये देखिए एसआईसीएस जानकी कुंड चित्रकूट, सभी कैरेक्टर आपके अपर केस में, जो स्ट्रिंग थ्री में कैरेक्टर्स हैं भले ही वो कॉपी किए हो या स्टोर्ड हो या साइन हो, उससे कोई मतलब नहीं, सभी कैरेक्टर आपके अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो आप लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो छोटे छोटे फंक्शन है इनको आप चला लीजिएगा। एक है आरईवी, जैसे ये देखिए कुछ आया समझ में, आरईवी रिवर्स, सभी कैरेक्टर को रिवर्स कर दिया। ओके, ये छोटे कैरेक्टर में थोड़ा चलाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां मैं डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ, एसटीआर वन पे चला देता हूँ, समझ में आ जाए। ये देखिए हेलो पे,
तो ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, हमने नहीं इनको बनाया है। जैसे हम प्रिंटएफ यूज करते हैं, स्कैनएफ यूज करते हैं, जैसे मैथ के प्रीडिफाइंड फंक्शन हमने यूज किया था SQRT, स्क्वायर रूट निकालने का, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का, करेक्टर टेस्टिंग के फंक्शन हमने यूज किया था, उसी प्रकार से ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इनको हम बना नहीं रहे, सिर्फ इनका हम क्या सीख रहे हैं, यूज करना सीख रहे हैं। पहले से सी की लाइब्रेरी में ये बने हुए हैं, स्ट्रिंग फंक्शन है। इस बात को ध्यान रखना है, इनको यूज करने के लिए string.h हेडर फाइल लगाना अनिवार्य है। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल को हटाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को हटाया। अब चूंकि एक बार मैंने इसको यूज कर दिया है, टर्बो सी यूज करता हूँ, इसमें कंपलसरी नहीं करता है, लेकिन यदि आप सी का कंपाइलर यूज करेंगे ओनली सी, तो ये string.h हेडर फाइल आपसे प्रोटोटाइप शुड भी मांगेगा। ओके तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में भी बताना है, इसके लिए string.h हेडर फाइल आपको देना है। ओके अब str रिजर्व फंक्शन हमने यूज कर लिया। ऐसे आपके जो भी फंक्शन है, आप कंकनेट फंक्शन, हमने कैट फंक्शन का बताया था यूज, कि कैट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। तो str इसी में मैं यूज करके बता देता हूँ कि कैट फंक्शन का यूज, दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना, str1, str2। ओके और इसको मैंने कंपाइल किया, रन किया, ये देखिए हेलो sics जानकी कुंड। चूंकि स्ट्रिंग की उतनी लेंथ नहीं होगी, इसलिए पूरे करेक्टर इसने नहीं दिया, लेकिन इसको इसने आपस में मिला दिया हेलो sics। आवाज आ रही ना? यस सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई सिस्टम पे। ओके तो अभी कनेक्टेड है ना सभी लोग? यस सर। हाँ ठीक ठीक, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा इसको, ठीक है ना, स्ट्रिंग फंक्शन को, और यदि इनमें कोई दिक्कत आए तो फिर बताइएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ और आज इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्टली यही यूज होते हैं, ज्यादातर कॉपी CMP कंपेयर का यूज कर लीजिएगा, और केस सेंसिटिव जो होते हैं। इसके बाद फिर हमने नोट्स भेजा, उस पर देख लीजिएगा, प्रोग्राम भी बने हुए हैं, और जो प्रोग्राम नहीं होंगे आगे हम बताएंगे उनको। और कल से फिर अब अगली यूनिट हमारी स्टार्ट होगी फंक्शन पे, ठीक है? तो स्ट्रिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, कल फिर हम जब क्लास लेंगे तो फंक्शन पे लेंगे। ओके सर, ये ncat जो है, जैसे n कैरेक्टर है, तो इसको भी फिर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्रोग्राम में। कैसे? जो strncat है, हाँ ncat, तो फर्स्ट n कैरेक्टर को, तो n कैरेक्टर वहाँ स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, कितने चाहिए हमें कितने नहीं। हाँ हाँ, इसको मैं बता दूंगा, इसका उसमें शायद देख लेना, यदि प्रोग्राम बनाओ सिंटैक्स कितने से चाहिए, नंबर देना पड़ेगा 2, 3, 4, 5, जितने नंबर देंगे उसको यूज कर लेंगे, ठीक है? या तो इसका एक एग्जांपल देख लेना, सीधा डाल देना strncat, ठीक, तो उसका एक एग्जांपल आ जाएगा, और उसको एक बार चला लेना। ओके सर। ओके, तो कल जो भी प्रॉब्लम हो तो कल बताना, फिर सॉल्व कर देंगे। ओके ओके सर।